देव क्लासेस में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस के माध्यम से आज आप सीखने जा रहे हैं प्रार्थना पत्र लिखने का फॉर्मल तरीका। प्रार्थना पत्र चाहे छुट्टियों के लिए हो, बीमारी के लिए हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए हो, सब्जेक्ट चेंज के लिए हो, या हो नगर पंचायत अधिकारी के लिए, या फिर किसी भी प्रोफेशनल अधिकारी के लिए, उन सारे प्रार्थना पत्रों को लिखने का एक फॉर्मल तरीका आज आप सीखेंगे। इसकी एक वीडियो पहले भी अपलोड हो चुकी है, तो कुछ एप्लीकेशन को हमने उसमें कवर किया है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आपके इन दोनों वीडियो में मिलेंगे। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना, अगर आपको पसंद आता है, अगर आप इसमें से कुछ सीखते हैं, तो आपको लाइक ज़रूर करना है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से 80% व्यक्तियों को एप्लीकेशन बनाने का फॉर्मल तरीका नहीं आता, और आता भी है तो वो भूल जाते हैं। छुट्टी का एप्लीकेशन आता है, इसके अलावा कोई नहीं आता है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आप सारे तरीके सीखेंगे। जिस व्यक्ति को टेंस आते हैं, नो डाउट वो जीवन में कभी एप्लीकेशन को भूलेगा नहीं, और जिसको नहीं आते हैं टेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखिए, आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ सीख जाएंगे। तो चलते हैं एप्लीकेशन बनाने के तरीके को देखते हैं। आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है वो राइट एंड एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। ये आपका नगर पंचायत अधिकारी के लिए है, जिसमें आपको सैनिटरी कंडीशन, गंदगी को लेकर बातचीत की गई है। तो इसमें उसको एप्लीकेशन ये लिखना है कि आप इस गंदगी को जल्दी से जल्दी कैसे साफ कर सकते हैं। तो इसमें लिखा गया टू द चेयरमैन म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड, माने आपका नगर पंचायत निगम के लिए है। गोरखपुर की जगह आप अपने जिले का, आप अपने एरिया का नाम डाल सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर, सम्मानित सदस्य के लिए शब्द यूज होता है, तो आपको ये लिखना है। आगे लिखना है आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, इसका मतलब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या आकर्षित करना चाहती हूँ टू द अनहाइजेनिक कंडीशन इन सुभाष नगर, मतलब सुभाष नगर की गंदी कंडीशन, मतलब अनहाइजीनिक का मतलब आप समझ सकते हैं, जहां आप गंदगी देखते हैं उसको हम ये बात बोल सकते हैं। तो गंदगी की तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं गोरखपुर में, गोरखपुर में, तो आप गोरखपुर की जगह आप अपने सिटी का नाम डाल सकते हैं। द ड्रेन्स आर नॉट क्लीन रेगुलरली, ड्रेन्स मतलब नालियाँ, आर नॉट क्लीन माने साफ नहीं होती हैं, रेगुलरली माने हमेशा। सो द डर्टी वाटर कलेक्ट एंड सिंक्स बैडली, तो ये जो आपका डर्टी वाटर गंदा पानी है वो आपका जगह जगह एकत्र हो जाता है। द गटर्स आर चोक्ड, गटर इसके चोक हो चुके, बंद हो चुके। आर द फेल्टी वाटर ओवरफ्लोड द रोड, और जिसका गंदा पानी है वो आपका रोडों में, सड़कों में आ गया है। वी फाइंड इट हार्ड टू लाइव इन सच अनहाइजेनिक कंडीशन, जिसकी वजह से वी फाइंड हम प्राप्त करते हैं हार्ड टू लाइव बने जीने की गलत, हार्ड माने मुश्किल तरीका, इन सच हाइजीनिक कंडीशन मतलब इस सारी कंडीशनों में हमारा स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू अरेंज फॉर प्रॉपर क्लीनलीनेस इन अवर एरिया, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप इस एरिया को प्रॉपर मतलब रेगुलरली तरीके से आप इसको साफ करवाने के प्रबंध करें। होपिंग फॉर एन अर्ली इलेक्शन, उम्मीद करते हैं कि आप इस पर जल्दी कोई ना कोई फैसला लेंगे। तो ये बहुत छोटा सा था, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार आपके साथ पढ़ते हैं, आप लोग भी साथ में पढ़िए। आई बेग टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द अनहाइजेनिक कंडीशन इन सुभाष नगर गोरखपुर। द ड्रेन्स आर नॉट क्लीन रेगुलरली सो द डर्टी वाटर कलेक्ट एंड सिंक बैडली, आपको बीच की एक से डेढ़ लाइन छोड़ देनी है, फिर लिखना है। The gutters are choked and the faulty water overflowed the road. We find it hard to live in such unhygienic condition. इसको आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको भूलेगा नहीं कभी। इसकी अगर आप हिंदी भी याद कर लेते हैं तो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई देयरफॉर माने इस प्रकार, रिक्वेस्ट यू टू अरेंज, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अरेंज माने व्यवस्था करो फॉर प्रॉपर क्लीनलीनेस इन आवर एरिया, इस एरिया को साफ करने का प्रबंध आप करिए। होपिंग फॉर एन अर्लियर एक्शन, उम्मीद करते हैं आप इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला लेंगे। चलते अगले एप्लीकेशन में क्या है।
राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखो रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ चेंज इन द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट चेंज के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है। सब्जेक्ट चेंज मतलब कई बच्चे क्या होते हैं, कोई सब्जेक्ट लेते हैं और इसके बाद में फिर उस सब्जेक्ट में वो परेशानी का अनुभव करते हैं, तो उसी के लिए एप्लीकेशन है जिसमें आप प्रिंसिपल को पत्र लिखकर सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो टू द प्रिंसिपल जैन इंटर कॉलेज रामपुर, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे। रिस्पेक्टेड सर, सम्मानित सर श्रीमान जी, आई विश टू से दैट, मैं आपको सूचित करता हूँ कि आई ऑफर्ड इंग्लिश इन क्लास नाइन्थ। अगर आप हाई स्कूल के तो आप नाइन्थ लिखें, अगर आप ग्यारहवीं बारहवीं के हैं तो आप ग्यारहवीं लिखें। आपको एक क्लास पीछा लेके चलना है। आई विश टू से, मैं आपको सूचित करता हूँ करती हूँ दैट आई ऑफर्ड इंग्लिश इन क्लास नाइन्थ, कि मैंने क्लास नाइन्थ में इंग्लिश को ऑफर किया था, लिया था। बट आई एम फीलिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन इंग्लिश, लेकिन मैं इंग्लिश को लेकर फीलिंग मैंने महसूस कर रहे हैं ग्रेट डिफिकल्टी, मैंने बहुत मुश्किल महसूस कर पा रहे हैं। आई कैन नॉट राइट करेक्ट इंग्लिश, मैं शुद्ध इंग्लिश नहीं लिख पा रही हूँ या नहीं लिख पा रहा हूँ। आई गॉट वेरी पुअर मार्क इन क्लास नाइन्थ, क्लास नाइन्थ में भी मेरे बहुत ही कमजोर मार्क, मतलब बहुत ही कम नंबर इस विषय में आए हैं। इसके बाद मैं आपको ये डेढ़ दो लाइनें छोड़नी है। इसका लिखना सो आई वॉन्ट टू चेंज इंग्लिश बाई इकोनॉमिक्स, इसलिए मैं अपनी इंग्लिश को इकोनॉमिक्स के द्वारा चेंज करना चाहता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि ये दो तीन लाइनों का प्रश्न है आपका, ये बड़े आराम से याद हो जाएगा, ये एप्लीकेशन आपको भूलेगा भी नहीं। इसके बाद है आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू अलाउ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू टू अलाउ मी, क्योंकि आप मुझे अलाउ करें टू हैव इकोनॉमिक्स इन प्लेस ऑफ इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश के स्थान पर अर्थशास्त्र ले सकूं। लास्ट में आपको प्रोफेशनल जगह पे हमेशा धन्यवाद बोलना है, पर्सनल में आप बोले ना बोले लेकिन प्रोफेशनल में आपको बोलना है। नेक्स्ट है आपका इसमें योर ओबीडियंटली, माने आपका आज्ञाकारी शिष्य। ट्रिपल एक्स की जगह पे आप एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। ये था आपका एप्लीकेशन सब्जेक्ट चेंज कर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो आप इसको लाइक करते चले और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करते चले। नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, इसमें आपको चरित्र प्रमाण पत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो इसका एक एप्लीकेशन आप पढ़ चुके हैं, फिर भी एक और देख लीजिए। टू द प्रिंसिपल डी एन इंटर कॉलेज मेरठ, यहाँ पर अपना विद्यालय का नाम। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू सर दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर कॉलेज, सम्मान के साथ सूचित किया जाता है और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपकी विद्यालय का क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। माय फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मेरे पिताजी एक सरकारी सर्वेंट बने नौकरी करने वाले हैं। ही हैज बीन ट्रांसफर टू कानपुर, उनका जो ट्रांसफर है वो कानपुर के लिए हो रहा है। आई हैव टेक एडमिशन देयर, और मैं वहाँ एडमिशन लेना चाहता हूँ, ये ले रहा हूँ इन डी ए वी इंटर कॉलेज में। देयर फोर आई नीड माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, इसलिए मुझे अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट की और चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। देयर फोर काइंडली इशू मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट, इसलिए आप मुझे मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट टू यू, इसलिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी या मैं बहुत अधिक आभारी रहूँगी। थैंक यू योर ओबीडेंटली ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने इसकी हिंदी भी तैयार कर ली, अगर आपको टेंस आते हैं तो आप इसको कन्वर्ट करके बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर चेंज द सब्जेक्ट फॉर यू, ये आपका हो चुका है पिछले में, इसमें आपका सब्जेक्ट चेंज के लिए ही हमने आपको बता ही दिया है। अगला है आपका राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फुल फी कंसेशन, यदि आप एक गरीब छात्र हैं छात्रा हैं तो आप अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखकर फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। ये कैसे लिखेंगे इसके लिए देखते हैं। टू द प्रिंसिपल एच डी इंटर कॉलेज मेरठ, यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम डालेंगे। सर
मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर कॉलेज। सम्मान के साथ सूचित करते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 की छात्रा हूँ या छात्र हूँ। आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। माई फादर इज ए क्लर्क इन ए प्राइवेट फर्म, मेरे पिताजी एक प्राइवेट जगह पे क्लर्क के काम करते हैं। हिज सैलरी इज वेरी स्मॉल, उसकी जो सैलरी है, पिताजी की सैलरी है, वो बहुत ही कम है। ही गेट्स ओनली 2000 पर मंथ, उन्हें केवल 2000 रुपये ही हर महीने मिलते हैं। ही इज अनेबल टू पे माई कॉलेज फी, और वो मेरी विद्यालय की फीस देने में असमर्थ है। आई एम ए ब्राइट स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके विद्यालय की ब्राइट स्टूडेंट मतलब एक होशियार छात्रा हूँ या छात्र हूँ। आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास, और मैंने हमेशा अपने क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आई हैड फुल फ्री सिप लास्ट ईयर टू, आई हैड फुल फ्री सिप मतलब मैंने आई हैड फुल फ्री सिप लास्ट ईयर, मैं 2 साल से मतलब अच्छे मार्क्स ला रही हैं। देयरफॉर काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन इन फी, इसलिए आप मुझे मेरी फीस में पूरी छूट देने की कृपा करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेट टू यू, मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। थैंक यू योर ओबीडियंटली, यहाँ पर आप अपना नाम की जगह ABCXYZ। तो उम्मीद करते हैं आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी, और नहीं भी समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट की 2 लाइनें आपको लिखनी है, टू द प्रिंसिपल SGU इंटर कॉलेज मेरठ सर। अब आप हिंदी को याद करिए, हिंदी में याद करना है आपको, सबसे पहले तो यही शब्द बोलो, बोलना है आपको मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, क्योंकि ये तो कंपल्सरी सभी में है। इसके अलावा आप सोचिए कि मैं एक क्लास 10 का छात्र हूँ, अब आप इसको ट्रांसलेट करिए, आई एम अ क्लास स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ या मैं एक गरीब परिवार का रहने वाला हूँ। आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, मेरे पिताजी एक प्राइवेट अध्यापक हैं, प्राइवेट क्लर्क हैं, आप जो भी सोचेंगे वो आप लिख सकते हैं। माई फादर इज अ क्लर्क इन ए प्राइवेट फर्म, उनकी सैलरी बहुत कम है, हिज सैलरी इज वेरी लो या स्मॉल। अब आप उनकी सैलरी को ओपन कर दीजिए, ही वह केवल 2000, 3000, 4000 जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ही गेट्स ओनली 2000 पर मंथ, वह मेरी फीस देने में असमर्थ है। ही इज अनेबल टू पे माई कॉलेज फी, मैं आपके कॉलेज की एक होनहार छात्रा हूँ या छात्र हूँ। आई एम ए ब्राइट स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके विद्यालय में हमेशा फर्स्ट आती हूँ। आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास, इस तरह आप इस एप्लीकेशन को सोच कर भी बना सकते हैं। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप बहुत आराम से इस एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये लास्ट एप्लीकेशन है, आपको एप्लीकेशन का एक लेटर है जिसमें से आप सीखेंगे कि अगर आपको बर्थडे पार्टी में या किसी भी पार्टी के दौरान पे आपको कोई गिफ्ट प्राप्त होता है तो आप उसका थैंक यू कैसे बोलेंगे। तो राइट लेटर टू योर अंकल सिस्टर थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट ही हैज सेंट टू योर बर्थडे, जो आपके बर्थडे पार्टी में आपको गिफ्ट मिला है उसके लिए आप अपने अंकल या सिस्टर को धन्यवाद कैसे देंगे। तो सबसे पहले आपको पता लिखना है जहाँ पर ये पत्र भेजना है, इसके बाद में लिखना है जिस रिश्ते में भेजना है, जिस रिलेशन में भेजना है, आप उसका नाम लिखोगे, दोस्तों का नाम लिखोगे। डियर अंकल, थैंक्स फॉर द स्पेशल गिफ्ट सेंट बाय यू, आपको आपके स्पेशल गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे भेजा है। देयर वॉज नो लिमिट ऑफ माई जॉय, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वेन आई रिसीव्ड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फॉर यू, जब मैंने आपके द्वारा भेजी गई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की पुस्तक को प्राप्त किया। आई रिसीव्ड मैनी गिफ्ट, मैंने बहुत से गिफ्ट प्राप्त किए हैं, बट योर इज द बेस्ट ऑफ वन, लेकिन आपका गिफ्ट उन सभी में से सबसे अलग है और बेस्ट है। ऑफ आलमन, उन सभी से, एवरीबॉडी लाइक्ड इट, सभी व्यक्तियों ने उसे पसंद किया। आई नीडेड इट बैडली एज आई एम लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग 3 दिस डेज, आई नीड मैंने मुझे आवश्यकता थी इस बैडली में, इन बुरे दिनों में, जैसे अब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं उन दिनों के हिसाब से है। एज आई एम लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग दिस डेज, तो अब इन दिनों में मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स सीख सकती हूँ।
आई हैव नो वर्ड टू थैंक यू, मेरे पास इसका धन्यवाद बोलने के लिए शब्द नहीं है। इट इज ए नाइस गिफ्ट, ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट है फॉर ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जीवन के लिए। माई बेस्ट रिगार्ड टू यू एंड आंट, मेरी बहुत बहुत बेस्ट रिगार्ड माने बहुत बहुत धन्यवाद। टू यू आपका और आंट माने अपनी आंटी का, योर लविंगली माने होता है आपकी प्यारी बच्ची या प्यारा बच्चा। एक्स वाई जेड की जगह नाम होता है लेकिन आपको नाम डालना नहीं है। तो इस दो वीडियो में हमने लगभग 8 से 10 एप्लीकेशन कवर किया है। अब हम गारंटी लेते हैं कि अगर आपने इन एप्लीकेशन को तैयार किया तो आप बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई पत्र छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि वो सारे तरीके हमने आपको बता दिए हैं। अगर कोई डिफरेंट तरीका आता भी है तो आपको फॉर्मल तरीका हमने बताया है, उसी में से आपको ट्रांसलेट करके उसको भी बना देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।